एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के पास मोबाइल तो होगा ही। आजकल अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और पिन कार्ड जैसी सारी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल में अटैच होती हैं। कभी कभी हैकर KBC या और कोई कंपनी का नाम बताकर हमें पैसे का लालच देते हैं या कोई महंगी चीज़ सस्ते दाम में देने का लालच दिलवाकर हमसे अकाउंट नंबर, आधार कार्ड या फिर पिन कार्ड की बोलते हैं। कभी कभी हमारे पास ये सब नहीं होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये सब नहीं है, तो वो कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे आपको प्रोसेस बताएं वैसे ही वैसे आप मोबाइल से कीजिएगा, हम आपका पैसा आपके मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि गाइस हाल ही में एक प्रोसेस आया है जिसकी वजह से बिना आपकी कोई इंफॉर्मेशन के आपके मोबाइल से पैसा निकल सकता है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले इस 10 साल की छोटी सी बच्ची का सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस वो बोलेंगे कि आपको इसके लिए दो मोबाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मोबाइल से तो वो दिखवाएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है और दूसरे मोबाइल से हम प्रोसेस करेंगे। वो बोलेंगे कि आप व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन आया है, थर्ड ऑप्शन लिंक डिवाइस। ये व्हाट्सएप में न्यू ऑप्शन आया है, उस पर क्लिक करने के लिए बोलेंगे, हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद वो आपको वहाँ पर QR स्कैनर देखने को मिलेगा, फिर वो आपको एक QR कोड देंगे, फिर आपको बोलेंगे कि ये आप स्कैन कीजिए, तो आप उसे स्कैन करेंगे। जैसे ही आप उसे स्कैन कर लेंगे समझ लीजिए आपका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि गाइस स्कैन करने के बाद हमारे व्हाट्सएप का सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन उनके व्हाट्सएप में चली जाएगी, और जिससे कि वो हमारे व्हाट्सएप के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं और हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो कर सकते हैं। गाइस मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी तरह इस ठगी का शिकार बनिए। गाइस ये भी हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाए या फिर नहीं। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इससे हैकर आपके व्हाट्सएप पर काम नहीं कर पाएगा। बट अगर नहीं हो पाया है तो आपको व्हाट्सएप को दोबारा लॉग आउट करना होगा, देन रिस्टार्ट करना होगा, यानी दोबारा शुरू करना होगा, देन वो बिल्कुल सही काम करेगा। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हो गया है तो उस टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ले आऊँगी। और गाइस जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी ऐसी मज़ेदार फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।